क्यों अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी है जिंदगी तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। मामा आपको तो मेरे बारे में पता है, जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाए उसको तो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। वो कोई चीज नहीं है, एक इंसान की बात हो रही है जो अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं देना चाहता। वो जगह कैसे बनानी है वो मैं खुद बना लूंगी। क्या कर रहे हो तुम? उतारो ये दोनों। तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या? मोहब्बत का लिबादा उड़कर जो तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो ना, भरे बाजार में खींच लूंगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। खुदा मेरा भी है। आज इतने अरसे बाद तुम्हें मेरी याद आई है, बड़ी बुरी बात है। मेरे आते ही तुम शुरू हो जाती हो। देख के नूर, कुछ खाओगी? भूख नहीं है। अब भूख को क्या हुआ? जैसे दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ, इतनी उलझी हुई क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देख के चोट ना लग जाए। अब तो मुझसे बातें भी छुपाओगी? ऐसा कुछ नहीं है। माही बताओ हुआ क्या है? आजकल एक लड़की है जो जैन के बहुत साथ होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? माही, कोई अपनी जिंदगी क्यों और कब तक तुम्हारे लिए रोकेगा? गलत कह रही हूँ मैं? तुम दोनों कब तक अलग अलग रह के एक साथ रहने का तमाशा करोगे? जिंदगियां आगे बढ़ जाती हैं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं फिजूल में रिएक्ट कर रही हूँ? एब्सोल्युटली। किस रिश्ते से रिएक्ट कर रही हो तुम? बीवी हूँ मैं उसकी अभी तक, बस नाम की, और शायद उस कागज के टुकड़े पे जो तुम दोनों ने निकाह नामे की सूरत में साइन किया है। माही, आई नो ये सब सुन के तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ का क्या जो तुम रोज अपने आप को देती हो? माही, वो आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ने का सोचो। अल्लाह मियां ने एक इतना अच्छा ऑप्शन तुम्हारे सामने रखा है। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर मेरे लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करना नामुमकिन है। तो फिर किसी और को भी मत रोको, सबकी जिंदगियों के ऑप्शंस तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ने का सोचो। अल्लाह मियां ने एक इतना अच्छा ऑप्शन तुम्हारे सामने रखा है। सवेरा, तुम आज कितने दिनों के बाद आई हो? बस कुछ मसरूफियत रही, तुमने भी चक्कर नहीं लगाया ना? पता नहीं दिन कैसे गुजर जाता है, आनी आ जाती हूँ दोपहर को तो बस उसी के चक्करों में लगी रहती हूँ। हाँ, ये तो है। कैसी है सनम? माशाल्लाह बहुत खुश है, जहीर बहुत सुलझा हुआ लड़का है। माशाल्लाह। बस अर्शी के मसले मसाइल हैं। कोई नहीं, शौहर साथ हो ना तो सब ठीक ही रहता है। बस दुआ करो मेरी माही के लिए भी कोई रास्ता निकले, मेरा दिल परेशान रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कैसी माँ हूँ मैं,
क्या किया मैंने उसके लिए? पागल हो गई हो क्या? उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हो? जो कुछ तुम माही के लिए कर रही हो ना, कोई और माँ नहीं कर सकती। वो इतनी बहादुरी से अगर सब कुछ फेस कर रही है ना, तो उसकी वजह तुम हो। वो किसी से नहीं डरती क्योंकि तुम उसके साथ हो। हेलो, मैं कुछ कह रही थी। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं। एक बात पूछूं? पूछो। पता नहीं ये बात मुझे पूछनी चाहिए भी या नहीं। जब भी तुम इस लड़की को देखते हो तो कहाँ गुम हो जाते हो? मैंने कई दफा नोटिस किया है। क्या चक्कर है? कहीं पसंद वसंद तो नहीं? कश्मारा प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। वो लड़की मेरी वाइफ है। जी डॉक्टर साहब, नहीं बुखार काफी तेज है। जी जी हाँ कर रहे हैं, हम पट्टियां कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम? ठीक है, नहीं मैं ड्राइवर भेजती हूँ, आप मेडिसिन भेज दें। कब से बुखार से? और तुमने मुझे फोन करके बुलाया क्यों नहीं? माही अभी मुझे लगा ये दवा से सही हो जाएगा। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे बताना तो चाहिए था ना। कोई बात नहीं है माही, रिलैक्स, बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। आंखें तो क्या? मिकाइल अंकल, सुबह से बस मिकाइल सर का ही नाम लिए जा रहा है। आओ बेटा। मुझे तो पता भी नहीं था आंटी कि वो जैन के साथ ऑफिस में होती है। कितनी स्ट्रेंज बात है ये। ये है तो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे अंकल मुझे दफ्तर के मामलात में बोलने नहीं देते। कितनी तकलीफ से बात होगी ये जैन के लिए। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया। असल में मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि मुझे इस मामले को कैसे डील करना है। सच बताऊं आंटी, मुझे लगता है आपको दो टोक बात करनी चाहिए, ऑफिस में नहीं तो कहीं और। हाय अंकल। जीते रहो बेटा। ओके आंटी, मैं चलती हूँ और वो चीज़ें मैं अम्मी को दे दूंगी। थैंक यू बेटा चीज़ें पिक करने का। ओके, हाफिज, बाय। आप ऐसा क्यों कर रही हैं अर्शी? क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब कर रही हैं? सबकी जिंदगी मैं ही खराब कर रही हूं। अब अगर वो लड़की जैन को खुद पसंद करती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर उसकी पसंद का नहीं, कसूर आपकी शह देने का है। और आप जानती हैं जैन ऐसा नहीं करेगा। जानती हूं पर मानूंगी नहीं।
मैं उसकी माँ हूँ और उसका भला चाहती हूँ। ऐसे कैसे रहेगा सारी जिंदगी वो अकेले? लेकिन ऋषि, जिस तरह से आप किसी को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में लेकर आ रही हैं, वो ऐसे नहीं गुजारेगा। आप उसकी फिक्र ना कीजिए, लेकिन प्लीज उससे कुछ उल्टा सीधा मत कह दीजिएगा इस हवाले से। अर्शी, संभाल के, कहीं इस चक्कर में आपका बेटा आपसे बदजन न हो जाए, ये अच्छा नहीं होगा। प्लीज हाय। हाय, कैसे हो? मैं ठीक। कोई जरूरी बात थी कृष्माला? कुछ काम तो नहीं था, मैंने सॉरी कहने के लिए फोन किया है। सॉरी, किस बात का? वो कल अनजाने में मैंने आपकी वाइफ के बारे में कुछ। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। मैंने जो कहा शायद आपको बुरा लगा होगा। बुरा तो लगा था, लेकिन ये नहीं कि आपने बोला था, बल्कि ये कि जिसके बारे में बोला था। तो अब आप नाराज तो नहीं है ना? नाराज वो तो तब होते हैं कृष्माला जब कोई रिश्ता हो। I'm getting another call, so you'll have to excuse me. Bye. नूर, अगर अब तुमने ये बिस्किट्स नहीं खाए ना तो बहुत बुरा होगा। अंकल, अंकल। हे चैंपियन, कहा था ना मुआ कि मामा को तंग मत करना। आपकी एक भी बात नहीं मानी है इसने। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये यहाँ रख ले। लाया था तोहफे, लेकिन लगता है कि आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। पर मैं तो बीमार हूँ। तो ठीक तो हो जाओगे। बुरी बात? आपको मिस करना बुरी बात है? नहीं, मुझे मिस करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आपने अभी तक कुछ खाया नहीं, मामा को तंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चिकन सूप लाया हूं। मैं बस अभी आता हूं। I'll just be back. हेलो भाई, हमारे पास भी बैठ जाए करो। मामा प्लीज। सेट मामा प्लीज। अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? म्यूजिक स्कूल, जैन के साथ। ये तुम जैन के साथ ज्यादा नहीं रहने लगी हो? मामा प्लीज, अब फिर शुरू मत हो जाइएगा। क्या शुरू नहीं हो जाओ कृष्माला, जहन के मामले में दिन ब दिन हिस्टेरिकल होती जा रही हो, एंड दैट्स नॉट गुड। क्या क्या क्या? तुमने जिस तरह से अपना मोबाइल फेंका है, क्या वो हरकत ठीक थी? क्यों अपने आप को कुएं में धकेलना चाह रही हो तुम? चाह नहीं रही, गिर चुकी हूँ। अब निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जिसका हाथ थाम कर तुम निकलना चाह रही हो, तुम्हारा हाथ तो क्या उंगली पकड़ने को भी तैयार नहीं है। देखो, मैंने तुम पर आज तक सख्ती नहीं की है। प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी मां बन जाऊं और मैं तुम पर सख्ती करूं। Try to understand। कृष्माला, कृष्माला!
जैन तुम यहाँ खड़े हो, अंदर आ जाओ। इट्स ओके आंटी, एक्चुअली आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी। आपने बुलाया था, खैरियत? हाँ बैठो प्लीज। काम जरूरी था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस वक्त कश्माला घर पर नहीं है इसलिए तुम्हें इसी टाइम पे बुलाया मैंने। क्या मतलब आंटी? जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो कश्माला के सामने नहीं हो सकती। एक माँ हूँ ना, आखिर कब तक चुप रहूँगी? वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आप बोले आंटी। देखो जैन, इस वक्त जो मैं तुमसे बात करूँगी तुम प्लीज़ माइंड मत करना। एक माँ ने बहुत मजबूर होकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे नहीं पता कि कश्माला ने तुमसे इस बात का जिक्र किया है या नहीं, लेकिन पानी अब सर से गुजर रहा है। देखो जैन, तुम उसे शायद एक दोस्त की नज़र से ही देखते होगे, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है। जी यही सच है। और वो बहुत जिद्दी है। उसने मुझे भी मना किया है कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से इस बात का जिक्र करूं, इसलिए कि वो तुम्हारे हालात अच्छी तरह जानती है और शायद तुम्हें परेशान देखना नहीं चाहती। लेकिन एक माँ क्या करे, आखिर कब तक तुम्हारे नाम के साथ बैठी रहेगी? इन सालों में कई मर्तबा मैंने कोशिश की कि वो किसी और के लिए हाँ कर दे, लेकिन मैं हार गई। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही कर सकते हो। या तो साफ साफ उसे समझा दो कि तुम उसके नहीं हो सकते, या फिर उसे अपना लो। मैगजीन के कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करना है, जो फीचर आर्टिकल्स हैं उनको फ्रंट पे रखिए, और जो पोर्टफोलियोज। जी मिकाएल। सर मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैं शाम में आती हूँ आपसे मिलने। सर पोर्टफोलियो आप लोग बाद में काम कीजिए। थैंक यू। चाहिए क्या हुआ, मूड खराब है? मैंने तुमसे दोस्ती की थी कश्माला, और तुमने दोस्ती की आड़ में प्यार। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी और इज्जत के लिए किया है जैन, और जिसे तुम प्यार करते हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बस कश्माला, माही के बारे में अगर एक भी और लफ्ज बोला तो क्या कर लोगे? मेरी जबान तो रोक लोगे, लेकिन बाकी सबका क्या करोगे? सारी दुनिया जिसको मिकाएल और मागुल के बारे में सब कुछ पता है, अपनी जिंदगी को सेट करने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? तुम अपनी आंखों से पट्टी हटाओगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा ना? मैं जानती हूँ जैन, मेरी बातों से तुम्हारा दिल जरूर दुखा होगा, और शायद मैं इस वक्त तुम्हें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन अगर इंसाफ से सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में बुरा कौन है, मैं या फिर वो। अब सिर्फ तुम्हारा और माही का मामला नहीं रहा, क्योंकि इसमें मेरा नूर भी शामिल है,
और वो सिर्फ मेरा नूर नहीं बल्कि मेरा और महाकुल का नूर है। निकाल। खुदा मेरा भी है। लगता है बहुत हैरत हो रही है मुझे देख के। ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन खैर बताओ कैसे आना हुआ मेरे गरीब खाने पर? इतनी नाराजगी है कि बैठने का भी नहीं कहोगी? मैं तो कह दूंगी पर तुम बैठना पसंद नहीं करोगी। तुम्हारी जिंदगी का सुकून देखकर काफी हैरत हो रही है। या फिर जलन? दूसरे के गलत कामों से जलन नहीं हुआ करती सवेरा। खैर तुम्हें तो सही लगेगा है ना? मेरा ख्याल है काम की बात कर लेते हैं। काम की बात यह है कि तुम्हारी बेटी गुल जो गुल छड़े उड़ा रही है वो अब कंप्लीटली हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ज़बान संभाल के अर्शी, तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हो। मेरी ज़बान तो तुम रोक लोगी और जो लोग कहेंगे उसका क्या करोगी? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के निकाह में होते हुए मिकाइल के साथ कुलछर्रे नहीं उड़ा सकती। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग अब अपने ठिकाने पर बिल्कुल ही नहीं रहा। मासूम होने का जो ड्रामा कर रही हो उसे अब बंद कर दो। मुझे हैरत है तुम्हारे माँ होने पे। एक अमीर जादे को फांस के हिजड़ा पलवा रही हो और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी उल्लू बना रही हो। बस मिसेज अर्शी, बहुत हो गया। अगर आपने एक और लफ्ज बोला ना तो मैं तमीज के सारे दामन हाथ से छुड़ा दूंगी। अब क्या छोड़ो, सारे दामन तो तुम पहले ही छोड़ चुकी हो, रादर दावदार कर चुकी हो। मैं आखिरी दफा घर के अंदर ये बताने आई हूं। अपनी बेटी से कहो फुला ले ले। नहीं लूंगी फुला। क्या कर लेंगी आप? रस्सी जल गई पर बल नहीं निकले। मैं कुछ नहीं करूंगी। करेगी और कहेगी ये दुनिया जब तुम्हारी औलाद जवान होगी। तारीफें करेगी इतनी मुनफरिद औलाद के लिए, ऊंची ऊंची तालियां बजेंगी। Thank you.
कब तक इन सोचों में गुम रहोगे जैन? माँ, आपका भाई देखा, तुम्हें ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कब आई तुम्हारे कमरे में। मत करो ये जुल्म अपने साथ जैन, और ना ही हमारे साथ। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा, आप टेंशन ना लें। तुमने जो सारी टेंशन ले ली है, कम ऑन, अपनी जिंदगी जियो। सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, गलत तो नहीं कह रही, ये सजा आपको तुम अपने सीने से लगाए बैठे हो, वो तो अपनी जिंदगी फुली एंजॉय कर रही है। माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यही समझते रहो और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी लेके चल रही है। बाप नहीं मिला तो बाप का अल्टरनेटिव हैंडसम है, पैसे वाला है। और सोचो, कोई क्यों करेगा इतना कुछ किसी के लिए बगैर किसी मतलब के? तुम भी कुछ सोचो। वो ऐसी नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है। यकीन तो अपने साए का भी नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया जानती है, मैं नहीं कह रही। मिकाइल उसको पसंद करता है, उसके नाम पे अपनी पूरी जिंदगी जी रहा है, जिसके नाम की तुम माला जपते रहते हो। पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मिकाइल से पूछ लो। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। छोड़ दो माँ कुल को, जो तुम्हें खुशियां देने के लिए तैयार है उसका हाथ थाम। कश्माला बहुत अच्छी लड़की है। आ जाओ साहब, आपसे वो जैन साहब मिलने आए, बाहर इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब जी? ठीक है, बैठाओ उन्हें। हे जैन। हाय। पेंटिंग्स देखने का शौक है इसलिए देख रहा था। शो और जरा पेंटिंग पर सिग्नेचर तो नोट करो, नूर तुम्हारे बेटे ने ही बनाई है। रियली? मेरा बेटा? मैं तो समझा तुम्हारा बेटा। नहीं जहन, गलत समझे, तुमने उसे छोड़ा, मैं तो बस उसे संभाल रहा हूं। नाइस, वेरी नाइस। दुनिया में और भी बहुत बच्चे हैं, अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे और हिजड़े भी, फिर ये नजरे करम नूर पर ही क्यों? जैन, क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुम्हारे लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों है, इतनी तलखी क्यों है? मेरे सुकून को छीनने की वजह पूछ रहे हो? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना है जैन। हाँ, बदकिस्मती से तुमने अपने ही हाथों से इन दोनों को गवाया। नूर को मानता हूं, लेकिन माहगुल को तो तुमने चुराया है, उसके अकेलेपन का फायदा उठाया है। जैन, मैं माहगुल की बड़ी इज्जत करता हूं, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। क्यों झूठ बोलते हो मिकाइल? क्यों अपने प्यार को इज्जत का नाम देते हो? यही तो फर्क है, तुम्हारे प्यार में इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती, और मेरे प्यार में इज्जत का बड़ा नाम भी है और काम भी। वाओ, बड़े आराम से अपनी मीठी फिलॉसफी से मेरी बीवी से अपने प्यार का इजहार कर लिया तुमने, लेकिन वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। क्यों? अभी तो उस पर उंगली उठा रहे थे,
और अब कहते हो कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। Come on, Zain, make up your mind. और honestly, मेरी बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम यहाँ मेरे घर पर क्यों आए हो? मतलब अपने प्यार को साबित करना चाहते हो या अपने प्यार की कंफ्यूजन को मिटाना चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम माकुल का पीछा छोड़ दो। तो फिर तुम उन दोनों का हाथ थाम लो, मैं पीछे हट जाता हूँ। ये मेरा और माही का मामला है। ये अब सिर्फ तुम्हारा और माही का मामला नहीं रहा, क्योंकि इसमें मेरा नूर भी शामिल है। और वो सिर्फ मेरा नूर नहीं बल्कि मेरा और माकुल का नूर है। निकाल। मेरा गिरेबान पकड़ने से माकुल तुम्हारी नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर अपने गिरेबान में झांककर सच को एक्सेप्ट कर सकते हो तो शायद बात बन सकती है। सही है, लेकिन ये माही, आर यू ऑल राइट? आई एम सॉरी एच। ब्रेक ले लें थोड़ा। क्या हुआ? नूर का कोई मसला है? फिर हुआ क्या है? ये जो बात मैं आपसे करने लगी हूँ वो शायद आपको बुरी लगे, पर ऑफिस आके उन्होंने जो कुछ कहा मैंने सुना, एक लफ्ज नहीं बोला। पर आपकी वाइफ ने जो बातें घर आके की है ना, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बीच नूर बड़ा होता जा रहा है, उसको समझ आती जा रही है। मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर किसी भी बात का असर हो, क्योंकि मेरे लिए अब सिर्फ नूर है सबसे बढ़कर। बीच में इस तरह से यहाँ पे काम नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ काम करने की वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो, इसलिए आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ चॉइस, आई क्विट एच। सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं?
आप कुछ बोलते क्यों नहीं, मुझे आंसर चाहिए। आ जाओ नूर, चलो गाड़ी में बैठते हैं। नहीं, पहले मुझे जवाब चाहिए। तो मुझे मना कर रहे हो नूर? आओ गाड़ी में बैठो, सारे जवाब मिल जाएंगे। शाबाश शाबाश। डर लगता है ये खालीपन ही अब तो अपना घर लगता है, किसी से क्या गिला, यही तकदीर थी कि मैं भी मैं न था, मेरी तस्वीर थी। क्या मैं ये हूँ, क्या मैं जैसा हूँ? मिकाय, क्या वो सब खैरियत तो है ना? खैरियत है भी और नहीं भी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि जबरदस्ती आना पड़ा। नो नो दैट्स ओके, लेकिन नूर कहाँ है, इज़ ही ओके? एक्चुअली नो, मैं उसे अभी अभी घर छोड़कर आया हूँ। पर हुआ क्या है? देखिए प्लीज, आप रिलैक्स हो जाए, मेरी बात जरा इत्मीनान से सुन ले। दरअसल नूर आज कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसलिए मैं उसे घर छोड़कर आया हूँ। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें उसे सब कुछ सच सच बताना चाहिए। मिकाइल क्या हुआ है, प्लीज बताएं। तो अब क्या करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए, उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। देखें नूर, अब एक ऑकवर्ड उम्र में आने वाला है, ही इज गोइंग टू बिकम अ टीनेजर, उसके जहन में काफी सारे सवालात हैं, और अगर हम सही जवाब नहीं देते तो खामखा बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। इनफैक्ट कंफ्यूज होने के साथ साथ वो बहुत बुरी तरह से टूट भी सकता है। और जवाब सुन के संभालना होगा, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा तो आपको संभालना होगा, क्योंकि माँ तो आप ही है ना। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ हूँ। आप करेंगे ना मेरे साथ उससे बात? नो, ये बात तो आप ही को करनी होगी। प्लीज मागुल, मेरी बात का बुरा ना मनाए, लेकिन जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को समझा सकती है, दुनिया में इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मुश्किल होगा ये। मुश्किल? और वो भी आपके लिए? अरे आपने दुनिया के सामने जो करके दिखाया वो सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। खुदा मेरा भी है, मेरे हाथ से बस चल रहा है बाबा। मैंने हमेशा उसे हर किसी से छुपा के रखा, दुनिया से बचा के रखा, पर आज वो दुनिया उसका मजाक उड़ाने लगी है। आप वो हर बात क्यों करते हैं जो मुझे तकलीफ देती है या नीचा दिखाती है? मैं बेटे के घर नहीं जा सकता। वो घर जो उसने हमारी मर्जी के बगैर बसाया। हमारी नहीं, आपकी मर्जी के बगैर। मामा, मैं नूर मिकाइल आपका बेटा हूँ, और पूरी दुनिया को मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा।